सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो ये जो लुक आप देख रहे हो, तो इसका मेकअप लुक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी माई टॉप 10 करेंटली ऑब्सेस्ड ऑब्सेशन विथ मेकअप, आप कह सकते हो लाइक माई टॉप 10 मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई एम करेंटली ऑब्सेस्ड विथ देम। नहीं कहूंगी कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है समथिंग, कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो कि मैंने काफी पहले नहीं बोलूंगी, लाइक 2021 में डिस्कवर किया है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो कि मैंने इस साल में जनवरी में डिस्कवर किया है। सो कह सकते हो लाइक दिसंबर जनवरी प्लस मंथली फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो। सो दीज आर द प्रोडक्ट आई एम जस्ट करेंटली ऑब्सेस्ड विद देम, लाइक मुझे इतना ज्यादा पसंद आ रहा है ये मेकअप प्रोडक्ट यूज करने में, आई कांट इवन टेल यू गाइज। सो मैं फटाफट से 10 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फिल्म, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरे वीडियोस देखना कैसा लगता है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड और ये भी बताना ये वाला जो मेकअप लुक है ये आप लोगों को कैसा लगा है। सो नाउ विदाउट एनी मोर बकबक लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो मेकअप प्रोडक्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, सो दिस इज स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। सो एवरीवन इज लाइक रेविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, एवरीवन जस्ट हाइप्ड अप दिस प्रोडक्ट अ लॉट, लाइक एवरी सिंगल इन्फ्लुएंसर लाइक टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट, उन सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड आई गॉट दिस, आप देख सकते हो इसका ज्यादा क्वांटिटी भी खत्म नहीं हुआ है। एंड आई यूज दिस आई थिंक 5 to 6 टाइम, एंड दिस thing like this real makeup base of so, this thing is so good, काफी अच्छे ग्लो प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप लोगों को काफी अच्छे ग्लो प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्दो इसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो ये काफी ड्यूई एंड ग्लो। सो ये प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली इन विंटर डेज। सो डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो आई एम गोना पुट ऑल द प्रोडक्ट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इनमें से आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप उस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो। अच्छा, तो सेकेंड जो प्रोडक्ट है, सो दिस इज लैक्मे का लूमी क्रीम। आपने मेरे मेकअप लुक्स पर देखे होंगे कि मैंने इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा यूज किया है, लाइक मेरे सरस्वती पूजा मेकअप लुक पे। और ये जो लैक्मे का लूमी क्रीम है इट्स नॉट लाइक दिस वन, सो ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है ये ग्लो प्रोवाइड करता है, बट इसका जो ग्लो है इट्स काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ ग्लो। सो ये जो है अब इसे ऑन इट्स ओन अप्लाई कर सकते हो, बट आई थिंक नाइट टाइम में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड इसे आप फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी आपके फेस पर अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छे ग्लोई ड्यूई बेस आप लोगों को ये प्रोवाइड करेगा। तो ये जो एंड थर्ड जो प्रोडक्ट है, दिस इज मिस क्लेयर का एवरीडे फाउंडेशन, नेचुरल वेटलेस फाउंडेशन। सो बाय द नेम सजेस्ट दिस इज अ एवरीडे काइंड ऑफ अ फाउंडेशन। तो एक्चुअली आप इसे कम क्वांटिटी में लेकर एज अ एवरीडे मेकअप में आप यूज कर सकते हो इस फाउंडेशन को। बाय द वे मेरा जो यहाँ पे शेड है बेज 05, दिस इज अ लाइटर शेड ऑफ माई स्किन टोन, लाइक मेरे स्किन टोन से 2 या 3 शेड ये शेड लाइटर है, बट मैं इसे यूज करती हूँ। ये काफी अच्छा येलो अंडर टोन वाला शेड है ये फाउंडेशन, एंड ये जो फाउंडेशन है काफी ज्यादा एक ड्यूई बेस आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को काफी ज्यादा ड्यूई फाउंडेशन पसंद है, और इफ यू हैव अ ड्राई स्किन तो इस फाउंडेशन को आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन तो ये फाउंडेशन आप लोगों को काफी अच्छे से सूट करेगा, एंड ये एक लाइक लाइट टू मीडियम कवरेज है, नॉट दैट मच फुल कवरेज, एंड काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, एवरीडे बेसिस पर यूज कर सकते हो। सो ये जो फाउंडेशन है दिस वन इज फ्रॉम ब्लू हेवन, एंड इसमें आप लोगों को मिल जाता है SPF 25 PA++++। आई हैव ऑलरेडी डन अ लाइक फुल ऑन रिव्यू अबाउट दिस फाउंडेशन, एंड उस वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। सो ये फाउंडेशन इसमें आता है टोटल 7 शेड रेंज, तो दिस इज इन द शेड कैरमल, एंड दिस इज द परफेक्ट शेड मैच टू माई स्किन टोन। लाइक ये इसका थोड़ा सा ऑलिव काइंड ऑफ अंडर टोन है, तो इफ यू हैव ऑलिव अंडर टोन काइंड वार्म टस्कियर अंडर टोन तो ये शेड आप लोगों को काफी अच्छे से सूट करेगा। ऑल्सो दिस फाउंडेशन इज केम विथ दिस काइंड ऑफ पंप पैकेजिंग, एंड ये काफी अच्छा एक फाउंडेशन है इफ यू हैव ऑयली स्किन,
एंड इफ यू हैव अ ड्राई स्किन आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होगा. तो ये फाउंडेशन इज लाइक सेज बाय द नेम सजेस्ट दैट इज द हाइपर मैट फाउंडेशन. तो समर के लिए ये फाउंडेशन आप लोगों का होली ग्रेल होने वाला है. जस्ट बिकॉज ऑफ समर में काफी ज्यादा स्वेट होता है, मेकअप पिघलने लगता है, तो ये एक मैट फाउंडेशन है तो काफी देर तक आपके फेस पर टिका रहेगा एंड काफी ज्यादा एक लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है. सो दिस इज मार्स का आई शैडो पैलेट एंड आई हैव लाइक दिस हैज माई हार्ट. आई डोंट नो लाइक मार्स के जैसा एक ऐसा अफोर्डेबल ब्रांड कैसे इतना अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है हम लोगों को. सो दिस पैलेट इज आई थिंक 249 rupees एंड दिस इज इन द शेड 03. ऑल्सो आप लोगों को या इनर पे आप लोगों को ग्लिटर शेड मिलेगा एंड येल्लो शेड है. येल्लो शेड्स आर काफी पिगमेंटेड, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ. एंड ब्लू मिलेंगे एंड ग्रीन एंड पर्पल पिंक लाइक कलर का भरमार है यहाँ इस पैलेट में. एंड पैलेट इज सुपर डुपर पिगमेंटेड, लाइक आप ये कभी भी मत सोचना कि ये पैलेट पिगमेंटेड नहीं है. दिस पैलेट इज सो पिगमेंटेड एंड वंस यू अप्लाई दिस ऑन योर आईज इट्स लुक सो गुड. इस पैलेट को यूज करके मैंने दोनों सरस्वती पूजा मेकअप लुक क्रिएट किया है एंड आई मेकअप काफी अच्छा क्रिएट हुआ था. अब आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो वो मेकअप लुक आप जाकर देख सकते हो उस मेकअप लुक को. अच्छा एंड सिक्स जो प्रोडक्ट है दिस इज मुआ का ब्रॉन्जर एज यू कैन सी सनकिस्ट ब्रॉन्जर एंड ये मुझे 350 पे मिला था नायका पर. एंड दिस ब्रॉन्जर इज सजेस्टेड बाय संस्कृति गुप्ता. आई ऑल्सो वॉच्ड हर वीडियोज एंड ये एक फुल्ली मैट ब्रॉन्जर है एंड इसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरे टॉप 5 ब्रॉन्जर रिकमेंडेशन पर. एंड तो इफ यू हैव स्पेशली मीडियम टू डस्कियर स्किन टोन तो ये ब्रॉन्जर आपके स्किन टोन पर काफी अच्छा लगेगा. एक सनकिस्ट वाला लुक आप लोगों को प्रोवाइड करेगा एंड दिस इज वेरी गुड नाइस ब्रॉन्जर इन दिस प्राइस रेंज. लाइक इस अफोर्डेबल रेंज में आई डोंट थिंक सो कॉम्पैक्ट पाउडर के अलावा आप लोगों को ऐसा मैट ब्रॉन्जर मिलेगा. एंड मुआ इज काइंड ऑफ वेरी अंडररेटेड ब्रांड आई थिंक सो. लाइक नो वन इज नॉट दैट मच टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड बट मैंने जो देखा है नायका पर स्क्रोल करते करते मुआ का जो मेकअप प्रोडक्ट्स दीज आर सो गुड. लाइक उतना ज्यादा रेटिंग नहीं है बट मैंने जो देखा है इससे मैंने परचेस करके काफी ज्यादा वर्थ द मनी मुझे लगा है ये वाला प्रोडक्ट. ऑल्सो दिस ब्रांड हैज लाइक एवरीथिंग लाइक हाईलाइटर फाउंडेशन एंड कंसीलर पाउडर हाईलाइटर एंड एवरीथिंग लाइक मेकअप में ए टू जेड जो होता है सब मुआ के ब्रांड में मिलता है. एंड आई थिंक लाइक दिस ब्रांड इज काइंड अंडर रेटेड सो वी इन्फ्लुएंसर हैव टू टॉक अबाउट दिस ब्रांड. एंड मैंने इस ब्रांड के बारे में बोलते सुना है प्रकृति सिंह को बोलते सुना है मैंने और संस्कृति गुप्ता ने ये ब्रॉन्जर रिकमेंड किया था और मैं आप लोगों को ये ब्रॉन्जर भी रिकमेंड करती हूँ. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट मोर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ब्रांड एंड वो कैसे रहते हैं वो रिव्यू तो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर से करूंगी. तो ये आई एम इन द शेड MN30 एज यू कैन सी. तो ये शेड मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है बट मुझे अच्छा लगता है डार्कर शेड में फाउंडेशन. एंड ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन है लाइक ये आप लोगों को मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करेगा. इट्स जस्ट सिट्स सो वेल ऑन योर स्किन लाइक काफी अच्छा फिनिश है इस फाउंडेशन का. लाइक एट दिस प्राइस रेंज द फाउंडेशन दे प्रोवाइड अस लाइक दिस इज इनसेन. तो मुझे वो अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन से भी मुझे ये ज्यादा पसंद आया है. एंड ये आप ट्राई आउट कर सकते हो शेड रेंज लाइक बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी बट शेड रेंज उस अल्ट्रा थिन फाउंडेशन से अच्छा. देन आप लोगों को जो प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करने वाली हूँ दिस इज रिटेल फॉर 100 rupees आप लोगों को 99 rupees में भी मिल जाएगा. सो दिस इज इनसाइड का मेकअप एसेंशियल. दिस इज लाइक अ पॉट कंसीलर काइंड ऑफ अ थिंग एंड दिस इज आई एम इन द शेड NC4. सो दिस इज द लाइक वेरी क्लोजेस्ट शेड ऑफ माई स्किन टोन. लाइक सरस्वती पूजा में हम सब निकलते हैं तो मैंने फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं किया था. सो जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैविंग सो लाइक लिटिल बिट ऑफ टाइनी बम्स एंड एक्ने तो मुझे ज्यादा लाइक फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना था. मुझे सिर्फ कंसीलर से थोड़ा सा अंडर आईज एंड मेरे जो फेस पर जो पिम्पल के स्पॉट है उससे थोड़ा सा कवर करना था.
सो इसे मैंने अप्लाई किया था लाइक ऑल डे इट्स डज इंक्रीज लाइक इतना अफोर्डेबल एक कंसीलर. सो ये है लैक्मे का न्यूड ट्विस्ट एंड मैं यहाँ पे इसका स्वाच करती हूँ. सो दिस इज द ब्राउन न्यूड ब्राउन प्लस पिंकिश काइंड ऑफ थोड़ा सा हिंट है लाइक मोर ऑफ अ ब्राउन न्यूड शेड. लाइक इफ यू हैव लाइक एनी स्किन टोन लाइक आप लोगों का कोई भी स्किन टोन होगा तो ये शेड आपके ऊपर एक न्यूड शेड आएगा. एंड आई एम इन लाइक लव विद द लिपस्टिक. इस शेड को आप एवरी डे लाइक ऑफिस कॉलेज में यूज कर सकते हो एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल एक लिक्विड लिपस्टिक है. सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस शेड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई थिंक आई होप कि आप लोगों को मेरा ये टॉप 10 मेकअप प्रोडक्ट सजेशन पसंद आया होगा. एंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.